एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये एक्सरसाइज आपके चैप्टर 3 की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रूविंग का, प्रूव करना है कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS हमारा है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है, अब देखो यहां पे स्क्वायर का मतलब ये सब आप क्लास 10th में जानते हुएगा कि इट इज साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर। सिमिलरली कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 मीन्स कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर। सिमिलरली टेन स्क्वायर पाई बाई 4 का मतलब टेन पाई बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ सी, अब हमको इसकी वैल्यू डाल देनी है। साइन पाई बाई 6 कितना होता है? साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मीन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 हो गई, 1/2 का स्क्वायर। कॉस पाई बाई 3, कॉस 60 डिग्री, इट इज ऑल्सो 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। टेन पाई बाई 4, टेन 45 डिग्री 1 होता है, इट इज 1 का स्क्वायर। अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये देखो ये हो गया हमारा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम 4 होगा, तो 1 प्लस 1 माइनस 4। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हो गया 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 4 इज माइनस 2/4। हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है? इट इज माइनस 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1/2 बचा। ठीक है, अच्छा हाँ, ये माइनस 1/2 ही है। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था, इट इज RHS प्रूव हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 को 3/2 के इक्वल प्रूव करना है। LHS लेते हैं। LHS हमारा है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक है, तो देखो यहां ये हो गया 2 साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कोसेक 7 पाई बाई 6 का स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर। यहां देखिए जिसकी वैल्यू हमें पता है वो डाल देते हैं। ये हो गया 2 साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 आपका होता है 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये पूरा एक टर्म है, इसके लिए इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर कर देता हूं प्लस। अब इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? कोसेक 7 पाई बाई 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, इसका स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, पाई प्लस पाई बाई 6 जब इसको ऐड करोगे एलसीएम लेके तो ये 7 पाई बाई 6 हो जाएगा इंटू कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 रूट 3/2 होता है, तो ये हो गया आपका रूट 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा 2 इंटू 1/4 ये वाला पार्ट प्लस कोसेक पाई प्लस थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा, तो पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होता नहीं है तो वो कोसेक ही होगा, तो और प्लस थीटा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक पाई बाई 6 का स्क्वायर इंटू इट इज 3 और 2 का स्क्वायर 4। यहां ध्यान दीजिएगा ये क्यों माइनस हुआ है, कोसेक पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा होगा, चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी ये
सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नेगेटिव होते हैं इसलिए ये नेगेटिव होगा, ठीक है। और पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता इसलिए कोसेक था, तो कोसेक ही आंसर होगा। अब इस सबको सॉल्व करो, तो ये हो गया, इसको इससे कट करो तो ये हो गया 1/2 प्लस, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां माइनस कोसेक पाई बाई सिक्स, तो साइन पाई बाई सिक्स 1/2 होता है, तो कोसेक पाई बाई सिक्स 2 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 3/4, ठीक है। अब देखिए इट इज 1/2 प्लस ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया इंटू 3/4, यहां 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, बच क्या गया यहां पे ध्यान दीजिएगा 1/2 यहां बचा और प्लस 3 यहां बचा, ठीक है। पर ये 3/2 आना चाहिए, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, सॉरी यहां देखिए ये गलत हो गया है, ये कॉस पाई बाई थ्री इट इज 1/3 कॉस पाई बाई थ्री आपका 1/2 होता है, ठीक है। तो ये आपका 1/4 हो जाएगा, यहां गलती हुई थी, ये भी 1/4 हो जाएगा और यहां भी आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 3 की जगह पे सिर्फ आपका 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो गया आपका 3/2 और यही आपको हमें प्रूव करके दिखाना था, ठीक है, 3/2 इंप्रूव करना था, नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कॉट स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई सिक्स को इक्वल प्रूफ करना है 6 के, एलएचएस लेते हैं। अब एलएचएस को मैं एक स्टेप आगे बढ़ के लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं कॉट पाई बाई सिक्स का स्क्वायर प्लस, यहां देखो 5π/6 है, 5π/6 को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो ये हो गया आपका 6π-π 5π/6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई सिक्स को 10π/6 का स्क्वायर मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कॉट पाई बाई सिक्स मतलब कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री आपका रूट 3 होता है प्लस कोसेक पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, पहली चीज की पाई माइनस थीटा है तो ये कोसेक ही होगा, कोसेक पाई बाई सिक्स ही होगा, कोसेक पाई बाई सिक्स ही होगा। और ध्यान दीजिएगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं इसलिए ये पॉजिटिव ही होगा प्लस 3 टेन पाई बाई सिक्स मतलब टेन 30 डिग्री विच इज 1/√3, तो ये हो गया आपका 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। ये एक लास्ट वाला टर्म है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट इज 3 प्लस कोसेक पाई बाई सिक्स मतलब कोसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 1/2 होता है तो कोसेक 32 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 3 × 1/3, ये कैंसिल आउट हो गया 1 बचेगा यहां पे, तो ये हो गया आपका 3 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 6 और यही हमारा आरएचएस है और यही हमको प्रूफ करना है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 2 sin² 3π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 sec² π/3 इज इक्वल टू 10, एलएचएस लेते हैं इसका, एलएचएस देखिए 2 sin² 3π/4 है तो इसको मैं लिख देता हूं sin 3π/4 का स्क्वायर प्लस 2 cos² π/4 है तो इसको मैं लिख देता हूं 2 cos π/4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 sec² π/3 है तो इसको मैं लिख देता हूं 2 sec
पाई बाई थ्री का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू आप डाल सकते हो उसको डालो। यहां देखो इसको ब्रेक करना होगा, ये हो गया टू साइन थ्री पाई बाई फोर को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई फोर लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई फोर, फोर पाई माइनस पाई थ्री पाई, हाँ ठीक है पाई बाई फोर, प्लस ये हो गया टू कॉस पाई बाई फोर, कॉस पाई बाई फोर इज वन बाई रूट टू, तो इंटू वन बाई रूट टू का स्क्वायर, इसको एक जगह कर देता हूं मैं, प्लस टू इंटू सेक पाई बाई थ्री, सेक पाई बाई थ्री मतलब सेक 60 डिग्री, तो कॉस 60 वन बाई टू होता है, तो सेक 60 कितना हो जाएगा, सॉरी कॉस 60 आपका वन बाई टू होता है, हाँ तो सेक 60 भी आपका टू हो जाएगा। ठीक है, और ये एक टर्म है। अब आइए देखते हैं, ये हो गया हमारा टू साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, पहली चीज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपका हो गया साइन पाई बाई फोर का स्क्वायर। ठीक है ना, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, प्लस ये हो गया आपका टू इंटू वन बाई टू, प्लस ये हो गया टू इंटू टू टू जा फोर, यहां वैल्यू डालते हैं, ये हो गया टू साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू का स्क्वायर, प्लस ये कैंसिल हो गया तो ये बचा वन और इधर एट। यहां ध्यान दीजिएगा, ये वन बाई रूट टू का स्क्वायर वन बाई टू होगा, टू टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया वन ही होगा, प्लस वन प्लस एट विच इज टेन, और यही हमारा आर एच एस है, यही हमको प्रूव करना है। यहां मैं स्टेप जंप कर गया हूं, वन बाई रूट टू का स्क्वायर वन बाई टू होगा, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो वन ही बचेगा, टेन आ गया। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट पार्ट, साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो साइन 75 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 75 को हमने दो एंगल में ब्रेक कर दिया, 45 और 30 में। ठीक है, इसलिए क्योंकि हमको 45 डिग्री 30 डिग्री के वैल्यू पता होते हैं, तो ये साइन 75 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए एक एंगल है, बी एक दूसरा एंगल है, तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे इसको ब्रेक करेंगे। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ध्यान दीजिएगा। तो यहां अगर ये इसको ए कंसीडर करते हो, इसको बी कंसीडर करते हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये हो जाएगा साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी, बी मतलब 30 डिग्री, प्लस कॉस ए मतलब कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, अब हमको जस्ट इसकी वैल्यू डाल देनी है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट टू होता है, इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3 बाई टू होता है, प्लस कॉस 45 डिग्री इज ऑल्सो 1 बाई रूट टू, एंड साइन 30 डिग्री इज 1 बाई टू, और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, तो रूट थ्री बाई टू रूट टू, प्लस यहां देखो वन इंटू वन वन होगा, एंड इट इज टू रूट टू, तो ये आपका हो गया कितना, रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे अगर आप इसमें प्रोसीड करना चाहते हो तो इसको रेशनलाइज कर दो, तो रेशनलाइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री प्लस वन अपॉन नीचे टू रूट टू है, तो रेशनलाइज करने के लिए आप इसको रूट टू से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट सिक्स प्लस रूट टू
अपॉन नीचे हो जाएगा रूट टू इंटू रूट टू टू इंटू टू फोर, ठीक है। तो दूसरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक एनसीईआरटी में आपका यही आंसर है, ठीक है, नोट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन फिफ्थ का, टेन 15 डिग्री, तो टेन 15 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं, टेन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ऐसा हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि 45 और 30 के ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज हमको पता होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे। जो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है, उस पे इसको रखेंगे। मान लीजिए, कंसिडर कीजिए कि ये 45 जो है ए है और ये बी है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे टेन ए मतलब टेन 45 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री अपॉन वन माइनस टेन ए मतलब टेन 45 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री। और जस्ट इसकी वैल्यू हमें डालनी है और वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करना है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो टेन 45 की वैल्यू होती है वन माइनस टेन 30 होता है वन बाई रूट थ्री होल अपॉन, ये हो गया वन, सॉरी ये प्लस होता है, ठीक है। टेन 45 इज वन इंटू टेन 30 वन बाई रूट थ्री। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां देखिए यहां पे रूट थ्री एलसीएम हुआ, तो ये हो जाएगा ऊपर में रूट थ्री माइनस वन, कोई डाउट। नीचे देखते हैं, ये भी वन बाई रूट थ्री होगा, वन प्लस वन बाई रूट थ्री, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम रूट थ्री हो गया, नीचे हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, इतना तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्यों कैंसिल हो रहा है। इट इज रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। आंसर आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी ने आंसर को रेशनलाइज किया है। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो रेशनलाइज करने के लिए इसका बीच का साइन चेंज करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसका बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट थ्री माइनस वन एंड रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लास नाइन्थ में आपने इसको पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, ये आपका हो गया रूट थ्री माइनस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री माइनस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन, इट इज रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन माइनस टू ए बी, तो टू रूट थ्री, और नीचे हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और माइनस वन। यहां कर लेते हैं, ये हो गया थ्री प्लस वन फोर माइनस टू रूट थ्री, दिख रहा है आपको, अपॉन टू, ऊपर में देखो टू कॉमन है तो ये हो गया टू माइनस रूट थ्री और नीचे में टू, ये टू से टू कैंसिल हो गया, बच क्या गया टू माइनस रूट थ्री, और यही आपका आंसर होगा टू माइनस रूट थ्री, ठीक है, नोट कीजिए।